पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकुलरिज्म अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता। चलिए एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि धर्मनिरपेक्षता उस समाज में कितनी उपयुक्त है जिस समाज में आज भी व्यक्तियों के जीवन पर गहरा असर है धर्म का। धर्मनिरपेक्षता क्या हम बाहर से लेकर आए हैं, पश्चिमी पौधा है जो कि हमने इंडियन सॉइल में इम्प्लांट किया है? क्या धर्मनिरपेक्षता की वजह से पक्षपात हमें देखने को मिलता है? अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण क्या धर्मनिरपेक्षता की वजह से होता है? क्या धर्मनिरपेक्षता एंटी रिलीजियस है अर्थात धर्म विरोधी है? जो चीज़ें हिंदी में यहाँ पे लिखी है यही चीज़ें यहाँ पे अंग्रेज़ी में लिखी गई है, टेंशन मत लीजिए, हिंदी की सिर्फ आज एक ही स्लाइड मैंने ऐड की है, ठीक है? अब हम बात करते हैं दोस्तों, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म को समझने के लिए कुछ इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है और बुक में तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 1984 में जो 6 लोगों के साथ राइट हुए थे, कश्मीरी पंडित को कश्मीर में किस तरीके से समस्याएं फेस करनी पड़ी थी और वहां से उन्हें उनके घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा था, 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे। अगर इनका डीपली हम एनालिसिस करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें रिलीजियस एंगल इन्वॉल्व था, ठीक है, लोगों के रिलीजियस भावनाएं इसमें इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर बात की जाती है दोस्तों रिलीजियस डोमिनेशन की, धर्म के बीच वर्चस्ववाद की। दो तरीके का वर्चस्ववाद यहाँ पे जिसके बारे में बात की गई है, एक है धर्मों के बीच होने वाला वर्चस्ववाद और दूसरा है धर्म के अंदर होने वाला वर्चस्ववाद। दो धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद हो सकता है एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, ठीक है, और इससे हिंसा भी हो सकती है और हिंसा किसी भी तरीके से हम हिंसा को जस्टिफाइड नहीं कर सकते, हिंसा में किसी का हित नहीं है। लीगल एंगल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या बात करता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने नागरिकों को सभी को एक इक्वल तरीके से ट्रीट किया है और सभी को एज ए नागरिक के रूप में देखा है और अधिकार दिए हैं, ठीक है। जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं दोस्तों तो हम बात करते हैं फुल और इक्वल मेंबरशिप की, ठीक है। तो हमारे देश में सभी नागरिकों के पास इक्वली राइट है, समानता के साथ अधिकार है। इक्वलिटी इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा भी है सीरीज़ में जो कि चैप्टर नंबर 3 था आई थिंक, और आई होप कि आपने उसे देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पुराने वीडियो अवेलेबल है। देखिए दोस्तों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीज़ों को क्लियर करता है कि हर इंडिविजुअल की डिग्निटी रिस्पेक्ट सेम होंगी दूसरे इंडिविजुअल की तरह ही, फिर भी हमें आज के दौर में समाज में इतना एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखने को मिलता है? क्या रीज़न है कि आज भी परसिक्यूशन किया जाता है? क्या रीज़न है कि आज भी रिलीजियस डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों? इसके साथ हम डील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि भिन्न भिन्न समाज से बिलोंग करने वाले लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो एक लॉ के सहायता से हम इन्हें इनके साथ कैसा डील कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है सेकुलरिज्म पिक्चर में। सेकुलरिज्म एक ऐसा डॉक्ट्राइन है दोस्तों जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को भी अपोज करता है और सेकुलरिज्म अपोज करता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी। जब धर्म के अंदर वर्चस्व की बात की जाती है तो धर्म के अंदर वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी का एक एग्जांपल है, ठीक है, दलितों के साथ किया गया वर्षों तक भेदभाव, महिलाओं के साथ किया जाने वाला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये यहाँ पर एग्जांपल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बट हर तरह के इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इसके फेवर में नहीं है, धर्मनिरपेक्षता इसके फेवर में नहीं है। तो एक जनरल आइडिया सेकुलरिज्म का क्या निकल कर आता है, ठीक है, देखिए एक सेकुलरिज्म के डॉक्ट्राइन से हमें यह समझना होगा, एक सेकुलर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिस सोसाइटी में किसी भी तरीके का इंट्रा रिलीजियस या इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता हो। पॉजिटिवली अगर हम देखें तो ये ऐसी समाज के को प्रमोट करने का काम करता है जहाँ पर हर रिलीजन के व्यक्ति को के पास अपनी फ्रीडम हो, अपने रिलीजन के हिसाब से वो रह सके, इक्वालिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नागरिकों को मिलता हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है, अगर हम इस पर बात करने लगे तो काफ़ी लंबा ये डिस्कशन हो जाएगा। इन शॉर्ट में सेकुलरिज्म एक ऐसा स्टेट है या यू कहे कि एक ऐसी सेकुलर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर किसी भी तरीके का वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व एक धर्म का दूसरे धर्म पे या विद इन रिलीजन किसी भी पर्टिकुलर कास्ट का वर्चस्व दूसरी कास्ट पे, जेंडर वर्चस्व नहीं चलेगा, किसी भी तरीके से इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर हम इसका लार्जर फ्रेमवर्क देखें तो हमें यह समझना होगा कि देखिए एक तो नैरोवर है लोग किस तरीके से चीज़ों को कंसिडर करते हैं,
और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एड्रेस इसके ज़रिए हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्या गोल है और किस तरीके से इन गोल्स को अचीव किया जाता है सेकुलरिज्म के माध्यम से, या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो किस तरह से एक स्टेट कमिटेड है एक आइडियल सेकुलरिज्म, और ऐसा सेकुलरिज्म जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी से एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, इसका अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकुलर स्टेट के बारे में। ठीक है, लास्ट तक हम आ चुके थे सेकुलरिज्म तक कि सेकुलरिज्म कैसा होना चाहिए, अब हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट के बारे में। देखिए दोस्तों, सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है और म्यूचुअल इनलाइटमेंट की बात करता है। म्यूचुअल इनलाइटमेंट किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा। लोगों का माइंडसेट किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, एजुकेशन इसमें हमारी हेल्प कर सकता है, इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टेट है ये भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल है, स्टेट के पास भी काफ़ी सत्ता है और स्टेट रोक सकता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को और प्रमोट कर सकता है रिलीजियस हारमोनी को। हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन, बट स्टेट डोमिनेशन को रिलीजियस वर्चस्व को किस तरीके से प्रिवेंट करेगा, किस तरीके से डील करेगा, ये डिपेंड करता है दोस्तों कि पर्टिकुलर रीजन कौन सा है। ठीक है, और पर्टिकुलर स्टेट की क्या गोल है, जैसे कि अगर हम देखें पीस, फ्रीडम और इक्वालिटी, अगर ऐसे ये गोल रहते हैं तो ज़रूरी है कि धर्म को हमें अलग रखना होगा हमारे स्टेट से, हमारे राज्य से। और देखिए दोस्तों, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं या कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर दें तो इतना ही सफिशेंट है एक सेकुलर स्टेट के लिए, बट ऐसा नहीं है। हमें पास्ट में ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली हैं कि रिलीजन और स्टेट में कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी दोस्तों पर्टिकुलर स्टेट फेवर करता है पर्टिकुलर रिलीजन को। तो इस सब चीज़ों से हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो कि एक अपनी सीमाएं उस सत्ता पे इस तरीके से अपनी लिमिट लगाता है कि अपने पास जो पावर है इसका ये मिसयूज ना कर सके। राइट, तो दोस्तों किसी भी तरीके का क्लोज अलायंस नहीं होना चाहिए सत्ता का रिलीजन के साथ। एक ट्रू सेकुलर स्टेट वही स्टेट होगा जिस स्टेट में किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं होगा रिलीजन का स्टेट को और स्टेट का रिलीजन को। ठीक है, नो फॉर्मल लीगल विथ एनी रिलीजन। ओके, एक सेकुलर स्टेट कमिटेड होता है दोस्तों उन गोल के प्रति जो समय के अनुसार उसने अचीव करने चाहिए अपने नागरिकों के लिए। ठीक है, और ये गोल भी नॉन रिलीजियस सोर्सेज से ही आने चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम हमारे प्राइमरी गोल देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारी इच्छाएं थी, एस्पिरेशन थी, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये किसी रिलीजियस सोर्सेज से नहीं निकल कर आती है। ठीक है, अगर हमें लास्ट में पीस चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम क्या कहते हैं कि रिलीजियसली जो ग्राउंडेड ऑपरेशंस हैं इनके अगेंस्ट चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों इसके लिए हमें एज ऑल्सो एंटर इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी, हमें इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी की आवश्यकता होगी। अगर हमें हमें प्रमोट करना है इस तरीके का कंसेप्ट, यूके की सेकुलरिज्म को इस तरीके से हमें लेकर आना है कि पूरी तरीके से वो अलग रहेगा राज्य राज्य सत्ता से, धर्म सत्ता राज्य सत्ता से अलग रहेंगी, अलग अलग तरीके से दोनों आप अपने काम करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो मॉडल देखने पड़ते हैं। एक मॉडल तो है दोस्तों अमेरिकन मॉडल, जिसे वेस्टर्न मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरा मॉडल है इंडियन मॉडल। अब देखिए यहाँ पर इंडियन मॉडल स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया जा रहा है बिकॉज इंडिया ने जो सेकुलरिज्म का मॉडल एक्सेप्ट किया है, ये आइडियल सेकुलरिज्म का जो मॉडल है जो कि वेस्ट में एग्जिस्ट करता था वैसा नहीं है। तो अगर कोई इंडियन सेकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म करता है अंडर द नेम कि ये वेस्ट से लाया गया है, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अमेरिकन मॉडल में दोस्तों रिलीजन और स्टेट को एक दूसरे से अलग रखा गया है। यहाँ पर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अर्थ यही है कि रिलीजन किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट के अफेयर्स में, और स्टेट किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे रिलीजियस अफेयर में। स्टेट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा जो कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन को फेवर करती हो, और स्टेट की पॉलिसीज को जो रिलीजियस
एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। दोनों का अपना काम करने का स्पेयर होगा, दोनों का अपना अलग जुरिस्डिक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सही सही से मेंशन की गई है जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, पहले हमने यहाँ पे रिलीजन के बारे में बातें लिखी गई है, यहाँ पे स्टेट के बारे में लिखा गया है पर्टिकुलर स्लाइड में कि सिमिलरली द स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्टेट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मदद नहीं कर सकता, इट कैन नॉट गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए या रिलीजियस कम्युनिटी से संदर्भ रिलेटेड काम करने के लिए, ठीक है। बट देखिए दोस्तों, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ की, नॉर कैन इट हिंडर द एक्टिविटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द ब्रॉड लिमिट सेट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड दोस्तों, इनके द्वारा जिस तरीके से चीज़ों को सीमित किया गया है या यूँ कहे कि सेट किया गया है, अगर इसके अनुसार चीज़ें चलती है तो वो चल सकती है, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे नहीं चलती है तो ये फिर इसे सही तरीके से नहीं देखा जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो अगर आपको इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म देखना है तो इसे इस तरीके से समझिए दोस्तों कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म काफ़ी तरह से अलग है, दोनों में फंडामेंटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। इंडिया में एक रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वैसी रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हमें वेस्ट में नहीं देखने को मिलती है दोस्तों। और ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे रूट में बिल्कुल, या यूँ कहे कि काफ़ी हमारे जड़ों तक पहुंची हुई है। और इंडियन सेकुलरिज्म फोकस करता है इक्वालिटी पे, इंडियन सेकुलरिज्म किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता जो कि हमारे एस्पिरेशन और गोल के, जो इन फ्यूचर में हमें जो चीज़ें अचीव करनी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उस समय एस्पायर किया था कि हमारी सोसाइटी कैसी हो, इसके बीच में आता है। इट अपोज द ऑपरेशन ऑफ वुमन एंड दलित विद इन हिंदुइज्म एंड इंडियन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। महिलाओं का अगर दोस्तों शोषण होता है, यूँ कहे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, फिर वो किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन में हो जो कि इंडियन टेरिटरी में हो रहा है, इसे अलाउ नहीं किया जाएगा, इसे जस्टिफाइड नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। इंडियन सेकुलरिज्म डील नॉट ओनली विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इंडियन सेकुलरिज्म डील करता है लोगों के रिलीजियस फ्रीडम के साथ, और साथ साथ जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम या यू कह कि जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी है इनके फ्रीडम के लिए भी। विद इन इट इंडिविजुअल हैज़ राइट टू प्रोफेस रिलीजन इज आर हर चॉइस। और यहाँ पर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वह अपना जो धर्म है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ राइट टू एग्जिस्ट एंड एस्टेब्लिश देयर ओन कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमारे देश में अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकती है, अगर वो ओपन करना चाहती है तो, ठीक है। तो देखिए, इसे इसे सपोर्ट भी किया जाता है दोस्तों, और समय समय पे रिलीजियस रिफॉर्म भी स्टेट लेकर आ सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैन अनटच, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे लॉज समय के साथ बनाए गए हैं, जैसे कि कास्ट मैरिज से संबंधित लॉ, अगर जो एक तरीके से नाबालिग नहीं होते और वो विवाह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं विवाह। इसमें कास्ट कोई रोल प्ले नहीं करेंगी, कास्ट मैटर नहीं करेंगी, कास्ट के आधार पे उन्हें नहीं रोका जा सकता। अब यहाँ पे सवाल यह है दोस्तों कि जब स्टेट इंटरवीन करता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रिफॉर्म्स के लिए या रिलीजियस एक्टिविटी में रिफॉर्म लेकर आने के लिए, तो ऐसे में क्या स्टेट सेकुलर रहेगा? तो हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो मॉडल है ये काफ़ी अलग है जब हम वेस्टर्न मॉडल को देखते हैं तो इससे, ठीक है। एक तरीके से पॉजिटिव मोड के रूप में आप इसे देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारी माइनॉरिटीज़ है इन्हें कल्चरल एजुकेशनल राइट दिए गए हैं, और हमारे माइनॉरिटीज़ के माइनॉरिटी पावर को अच्छे से डील किया गया है, या यूँ कह के अच्छे से कंसिडर करके चीज़ें आगे बढ़ाई गई है। ये स्ट्रेटजीज है दोस्तों जिसका यूज़ करके हम हमारे जो वैल्यूज़ है, जैसे कि फ्रीडम इक्वालिटी और पीस, इसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंटरवेंशन को अलाउ किया है, ठीक है। यहाँ पर इंटरवेंशन तो है बट प्रिंसिपल डिस्टेंस के साथ होता है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि अगर इंटरवीन किया जाता है व्हेन इट्स प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड पीस विल बी हिंडर्ड, ठीक है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर प्रिंसिपल्ड स्टेट्स इंटरवेंशन. इट मीन्स दैट द स्टेट विल इंटरवीन व्हेन इट्स प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पीस विल बी हिंडर्ड. तो दोस्तों, हमारा स्टेट इंटरवीन कब कर सकता है? जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, अगर इन्हें हानि पहुंचती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा स्टेट रिस्पॉन्स कर सकता है अगेंस्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़. क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. क्रिटिसिज्म किया जाता है दोस्तों हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, और क्रिटिसिज्म करने के कुछ ग्राउंड है. जैसे कि ये कहते हैं कि ये एंटी रिलीजियस है, धर्म विरोधी है. तो ऐसा तो नहीं है कि धर्म विरोधी है, ठीक है. इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट सेकुलरिज्म थ्रेटन रिलीजियस आइडेंटिटी. सेकुलरिज्म के माध्यम से रिलीजियस आइडेंटिटी को एक तरीके से उसका विरोध किया जाता है. बट ऐसा नहीं है दोस्तों. हमने देखा कि सेकुलरिज्म प्रमोट करता है रिलीजियस फ्रीडम को और इक्वलिटी को. इसीलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और रिलीजन की जो आइडेंटिटी है दोस्तों, उसे इसे बचाने का ही काम करता है एक तरीके से, अगर हम कहें तो. वेस्टर्न से इम्पोर्ट किया गया है. हाँ, ये भी क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है कि पश्चिम से ये आयातित है. देखिए दोस्तों, पश्चिम से आयातित ये हो सकता है, बट इसमें इस तरीके के बदलाव किए गए हैं जो कि हमारे यहाँ की जो कंडीशन है इसको सूट करे, और हमारे जो सरकमस्टांसेस है इस पे सही तरीके से ये काम कर सके. जो जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया गया है. इसी के बाद तो ये चीज़ें हमने अपनाई है, ठीक है. देखिए दोस्तों, वेस्ट में चर्च को और स्टेट को सेपरेट कर दिया जाता है. दोनों के अलग अलग स्फेयर होते हैं, एक दूसरे के इसमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के काम काज में. बट इंडियन सेकुलरिज्म का वेरिएंट अगर हम देखें तो काफ़ी अलग है. यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल डिस्टेंस रखा गया है, बट स्टेट इंटरवीन कर सकता है अगर वो चाहता है तो. अब हम बात करते हैं दोस्तों अल्पसंख्यकवाद के बारे में. देखिए, अल्पसंख्यकवाद को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बुक में. कंसिडर कीजिए कि आप एक रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे चार लोग हैं. चार लोग में से तीन जो लोग हैं दोस्तों, ये सिगरेट पीने वाले हैं, और बट इसमें से एक ही व्यक्ति सिगरेट बाहर निकालता है. सिगरेट पीना स्टार्ट करता है. इन्हें नाम दे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. कंसिडर कीजिए कि रेलवे कंपार्टमेंट है, ए, बी, सी और डी. ए अपनी सिगरेट निकालता है और सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है. बी को इससे प्रॉब्लम है, उसे ये पसंद नहीं आ रही है एक्टिविटी, ये इसका अपोज करता है. तो भाई ए बोलता है कि चलिए पोल कर लेते हैं, ठीक है, पोल करके देखेंगे कि किस तरीके से ये सिगरेट यहाँ पे जलेंगी या नहीं जलेगी, राइट. अब ये दो जो बंदे हैं दोस्तों, ये भी सिगरेट पीना चाहते हैं बिकॉज ये भी स्मोकर है, ठीक है. तो ऐसे में जब पोल होता है तो ये दोनों भी इस साइड चले जाते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए डिसीजन लिया कि सिगरेट रेलवे में चलेगी, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में चलेगी. अब यहाँ तक तो चीज़ें सही है, बट कंसिडर कीजिए इसी सिचुएशन में एक ऐसा व्यक्ति रखते हैं जो कि अस्थमा का पेशेंट है, या किसी भी तरीके से जिसे जो धुआं होता है, सिगरेट का जो जहरीला धुआं होता है, वो सहन नहीं कर सकता. क्या ऐसे में भी आप कहोगे कि पोल कर लीजिए, जबकि आपको पता है कि पोल करने के बाद दूसरी पार्टी आसानी से जीतने वाली है, बिकॉज उसकी इच्छा है कि वो काम करे जो वो करना चाहती है, राइट. तो ऐसे में आप कहोगे कि पोल करना सही नहीं है. एक दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सिनेमा हॉल का, जहाँ पे बताया गया है सिनेमा हॉल में कि आपको टिकट लेना है, और टिकट लेके एक सर्टन स्टेयर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जानी है, राइट. आपको सीढ़ियाँ चढ़कर जाना ही है अगर आपको फिल्म देखना है तो. अब ऐसे में अगर एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जो दिव्यांग है, वो सीढ़ियों सीढ़ियों के थ्रू नहीं जा सकता, तो अगर उसके उसे वहाँ से लेकर सीढ़ियों तक पहुँचने में, या यूँ कह के उस प्लेस पे पहुँचने में अगर हम हेल्प कर देते हैं बिकॉज उस सबको ही फिल्म देखनी है, तो क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा, इस पर भी बात की जाती है दोस्तों. यही कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक लोग है या अल्पसंख्यकवाद है, इसके तहत इन्हें ज़्यादा सहूलतें दी जाती है, या यूँ कहे कि इन्हें इसका लाभ होता है. बट ऐसा नहीं है, हमें ये इस तरीके से नहीं देखना चाहिए. इन सब चीज़ों को ये बुक क्लियर करने का काम करती है. बाद में दूसरा एक जो विरोध होता है दोस्तों सेकुलरिज्म का, ये होता है कि इंटरवेनिस्ट है, यूँ कह के ज़्यादा इंटरवीन करता है. ये एक तरीके से क्रिटिकल क्लेम हमें देखने को मिलता है कि जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, ये ज़्यादा इंटरफेयर करता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, रिलीजियस फ्रीडम में. तो देखिए, अगर हम ऐसे इंडियन सेकुलरिज्म को देखते हैं तो हम मिसरीड कर रहे हैं. इंडियन सेकुलरिज्म को अगर आप अच्छे से समझोगे, तो आप इस इंटरवी जो इंटरवेंशन किया जाता है स्टेट के द्वारा, इसे नेगेटिव नहीं लोगे. एक तरीके से पॉजिटिव टूल है स्टेट के पास, जिसका यूज़ करके स्टेट समय समय पे जो कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आते हैं सामने, इससे डील कर सकता है, राइट.
वोट बैंक पॉलिटिक्स। दूसरी दोस्तों, इसकी आलोचना की जाती है कि ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक जरिया बन गया है। जब हम बात करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स की, तो देखिए हमें पॉलिटिक्स को समझना होगा। पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर जो हमारे नेता हैं, इन्हें वोटों की ज़रूरत है, इन्हें वोटों की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें वोट चाहिए बिकॉज नेक्स्ट टर्म में इन्हें जीत के आना है। ऐसे में अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्तियों से वोट्स की डिमांड करता है और अल्पसंख्यक व्यक्तियों द्वारा उसे वोट दिया जाता है उस नेता को, तो ये कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। बिकॉज नागरिकों की जो इच्छाएं है डेमोक्रेसी में, इसे डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। बट अगर इनसे इनके काम पूरे किए जाएंगे के नाम से वोट लिए जाते हैं, और जो काम होने चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें ये लोग डिजर्व करते हैं पर्टिकुलर जगह पे, वो उन्हें नहीं मिलती है, तो ऐसे में ये सब सही नहीं होगा। ठीक है, जो रियल क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स है, जिन इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, ये एड्रेस नहीं हो रहे, प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं हो रहे, तो ये वोटर के साथ एक तरीके से अनफेयर हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो वेलफेयर ये डिजर्व करते हैं, वो वेलफेयर फिर से क्वेश्चन में रहता है, उस पर सवाल बना रहता है कि ये कब होगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से जब ये बात कही जाती है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है सेकुलरिज्म, तो ये पूरी तरीके से भी सही नहीं है, राइट? सेक्युलर पॉलिटिशियन अगर वोट को लेता है नागरिकों से, ठीक है, बिकॉज एक वोट की तो इक्वल वैल्यू है, और वोट लेने के बाद जो उस एरिया से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो उसे वोट दे रहे हैं, और उस एरिया के प्रति इसकी जो जिम्मेदारी होती है, ये इसे सही से निभाता है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को कंसिडर करके काम करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर करके काम करता है, तो ऐसे में ये सही है, इसे हम गलत तरीके से नहीं देख सकते, राइट? फिर बात की जाती है दोस्तों कि ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट लेकर चलता है। सेकुलरिज्म काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, ठीक है, सेकुलरिज्म अकेले में ही काफ़ी सारे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रयास कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये समझना होगा कि आखिरकार हमारी समस्या क्या है। देखिए दोस्तों, जो लोग हैं जिनका डीप रिलीजियस डिफरेंसेस है, यहाँ पर डीप रिलीजियस डिफरेंसेस की बात की जा रही है, मतलब रिलीजियस डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी। क्या इस लेसन को पढ़ने के बाद किस चीज़ को आप समझ सकोगे? वहाँ पे कहा गया था कि सेकुलरिज्म क्या वहाँ पे उतना उपयुक्त है, जिस जगह पे लोगों की आज भी काफ़ी आस्था है धर्म पे, या धर्म लोगों को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि लोगों के बीच में एक डीप रिलीजियस डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जब डीप रिलीजियस डिफरेंसेस एक तरीके से साथ चलता है, तो लोग साथ रह नहीं सकते पीस के साथ, या यूँ कहेंगे शांति के साथ। ठीक है, तो किस तरीके से हम पीस को अचीव कर सकते हैं? तो हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों कि इंडियन सिविलाइजेशन को अगर हम देखें, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन शोज दैट दिस काइंड ऑफ लिविंग टुगेदर इज रियलाइजेबल, कि इस तरीके से साथ हम रह सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जहाँ पर अलग अलग इससे बिलोंग करने वाले लोग रहते थे। बट देखिए, क्रिटिसिज्म जब किया जा रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो को एग्जिस्टेंस है अंडर कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी वॉज इनडीड पॉसिबल, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है कि सब साथ रह रहे हैं बट इनइक्वालिटीज जहाँ के तहाँ है, तो ये सीन है, सही नहीं है। अर्थात धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। द पॉइंट दे क्लेम इज दैट दिस विल नॉट वर्क टूडे वेन इक्वेलिटी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू। इक्वेलिटी एक तरीके से डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू बनती जा रही है, तो क्या ऐसे समय में ये इतना उपयुक्त रहेगा? और दोस्तों, ये उपयुक्त रहेगा और ये रहने वाला है, बिकॉज इक्वेलिटी को ये सपोर्ट करता है। बिकॉज देखिए, ये कह रहे हैं कि इक्वेलिटी डोमिनेंट होती जा रही है, ठीक है, समाज में इक्वेलिटी आ रही है, बट समाज में इक्वेलिटी आ रही है, ठीक है, प्रोसेस चेंज हो रही है, एजुकेशनल स्टेटस हमारा बढ़ रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, और जो पुराने ख्यालात थे, जो कि डीप रूटेड थे हमारे सिस्टम में, ठीक है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स में, जो एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से साथ लेकर चलने में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इन्हें एड्रेस किया जा सकता है अगर इक्वेलिटी अपना लेवल समय के अनुसार बढ़ाती जाती है तो। ठीक है, और ऐसा हो रहा है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है।
आज वो स्टेट जो कि पर्टिकुलर एक तरीके से मोनो मोनो कल्चर थे, जिनका एक ही कल्चर हुआ करता था, वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग भी जाकर रह रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की तरह अगर हम दूसरे स्टेट को देखें, ठीक है, अब हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन स्टेट है जो कि छोटे छोटे हैं, तो इन्हें अगर मिलाकर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी अब डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करने लगी है जैसी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है। राइट, तो इस लेसन में हमने बात की सेकुलरिज्म के बारे में, इस वीडियो में हमने डिस्कस करने की कोशिश की सेकुलरिज्म को। ठीक है, पहले हमने देखा कि सेकुलरिज्म क्या है, वर्चस्ववाद के बारे में बात की, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद, धर्म के अंदर वर्चस्ववाद। वर्चस्ववाद समझने के बाद हमने बात की दोस्तों कि सेकुलर स्टेट क्या हो सकता है। देखिए, जब सेकुलर स्टेट के बारे में हम बात करते हैं, सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो अपने नागरिकों के लिए डिसीजन ले और इसके डिसीजन किसी भी धार्मिक चीज से प्रभावित होने वाले ना हो। ठीक है, तो स्टेट अलग होना चाहिए दोस्तों धर्म से, और धर्म अलग होना चाहिए स्टेट से, बिकॉज अगर दोनों साथ साथ चलते हैं तो जहाँ पर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, उस प्लेस के लिए ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। राइट, फिर हमने बात की कि किस तरीके से स्टेट डील करता है सेकुलरिज्म से, सेकुलरिज्म का अर्थ क्या है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, इस पर भी चीज़ें निर्भर करती है। जब हम बात करते हैं कि क्या अर्थ है, तो हमने यहाँ पे दो मॉडल देखे। एक हमने देखा वेस्टर्न, वेस्टर्न मॉडल पे हमने साफ साफ देखा दोस्तों कि सीधे तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन किया गया है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, रिलीजन का अपना काम करने का स्पेयर है, काम करने का एरिया है, और रिलीजन किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करता स्टेट की अफेयर्स में, स्टेट के स्पेयर में, स्टेट की जुरिस्डिक्शन में। ओके, इसके बाद हमने बात की दोस्तों इंडियन सेकुलरिज्म की। तो देखिए, इंडियन सेकुलरिज्म की खासियत यह है कि यहाँ पर चीज़ों को सही तरीके से मैनेज किया गया है, सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को इस तरीके से हमने बदला है, या यूँ कहें कि इस तरीके से हमने अडॉप्ट किया है कि जो सेकुलरिज्म के कंसेप्ट में जो लूप होल एग्जिस्ट करते थे, एक तरह से अगर हम वेस्ट के सेकुलरिज्म को देखें जो हमारे कंडीशन को पूरी तरीके से सूट नहीं कर सकता था, उसे अवॉइड करके दोस्तों इसमें कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए गए हैं हमारे कंडीशन के हिसाब से, जो कि सही तरीके से काम करते हैं हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस रखा गया है, बट स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजन में, रिलीजियस रिफॉर्म के लिए तब इंटरवीन कर सकता है दोस्तों जब जो बेसिक प्रिंसिपल है जैसे कि पीस, इक्वेलिटी, फ्रीडम, या यू कहे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इनका अगर उल्लंघन हो रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के नाम से, रिलीजियस अंडर द रिलीजियस एक्टिविटीज़ के नाम से अगर नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे में स्टेट को इंटरवीन करने का अधिकार है, स्टेट ने इंटरवीन करना भी चाहिए। तो ये हमने एक पूरा इशू देखा, पूरा वीडियो देखा सेकुलरिज्म के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तकरीबन हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर बाकी है, एक है पीस और दूसरा है डेवलपमेंट, इसे भी कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्लास 12 को। थैंक यू।